अब देखो बच्चों, हम करेंगे 24। तो ये भी बिल्कुल सैंडविच क्वेश्चन की तरह है। इसको भी मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2x-3। एक को यहाँ पर हो गया, दूसरा वाला भी यहाँ लिख देता हूँ, 2x-3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। देखो दोनों मैंने इक्वेशंस लिख लिए हैं, इसको मैं अगर अलग अलग सॉल्व करता हूँ। -3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2x, राइट। और ये हो जाएगा 5/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x। ये मेरी पहली इक्वेशन, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, इसको दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 5, 6, 7, 8, 8। और ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। अब देखो 5/2, 2 5 2 2 4 लगा 0/2, 5 10, 2.5, राइट। अब देखो 2.5 आ गया, यहाँ पे आ गया 2.5, यहाँ पे आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, इसको नंबर लाइन में सेट करना है और ये सारे रियल नंबर्स हैं, राइट। तो देखो पहले मैं तो लिख लेता हूँ, पहले मैं x लिखता हूँ। x बड़ा कब है? तो बड़ा है तो तीर इधर लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 2.5। और छोटा कब है? ये छोटा लेस देन इक्वल्स टू, ये भी लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। अब नंबर लाइन में बनाना है बच्चों, बड़ा ईजी है नंबर लाइन में बनाना है इसको। तो देखो इसको नंबर लाइन में बना देते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, रियल नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो 2.5 बच्चों यहाँ पे होगा कहीं, पर यहाँ से 2.5 से और 4 तक इन दोनों के बीच में रियल नंबर है, तो पूरा डार्क कर दो, क्योंकि सारे नंबर्स आने वाले रियल नंबर में, तो सारे नंबर आते हैं, तो इन पूरी लाइन को यहाँ से ब्लैक कर दो। काफ़ी इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।